some unknown fact about guinea pig. Though majority of animals used in biomedical research at present are mice and rat, other animals also used like rabbit, hamster, guinea pig. गिनी पिग भी यूज़ होता है, मतलब मैक्सिमम आपका कौन सा यूज होता होगा बायोमेडिकल में, आपका मेनली माइस और रेट ने कब्जा जमा रखा, उसके अलावा भी हम बहुत ज़्यादा क्या नाम रेबिट हेमस्टर और इसको यूज कर लेते हैं गिनी पिग को, ठीक है। तो गिनी पिग कब जाके आपका पॉपुलर बना था एज ए पेट, 16th century, क्योंकि उसका साइज के हिसाब से उसको डोसाइल, बहुत डोसाइल होते हैं, मतलब फ्रेंडली होते हैं उनके नेचर में, सिंस हम लोगों ने उसमें मतलब उसको पेट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद से साइंटिस्ट लोगों ने भी उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों मतलब इंसानों ने उसको कम से कम कैप्टिविटी में 400 साल से उसको ब्रीड किया गया है, ठीक है। वो लोग मेनली ओरिजिनेटेड हुए हैं आपका पेरू, अर्जेंटीना या ब्राज़ील, ठीक है। दे आर हर्बीवोरस, वो खास खाते हैं, उनका जो दांत होता है ओपन रूटेड इंसीजर, मतलब वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ ग्रो करता रहता है। उसके बाद आपका वो जो वेट गेन करते हैं कम से कम 12 से 15 महीने तक वो वेट गेन कर लेते हैं, जिसमें आपका एक फीमेल अपना वेट गेन करना छोड़ देती है आपका 700-850 ग्राम जब उनका हो जाता है, तो उसके बाद फिर अपना वेट ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं उनका, मतलब एज कम्पेयर बढ़ते होंगे बहुत खाने के बाद थोड़ा बढ़ेगा, बट इतना तक में उनका जो ग्रोथ होगा रेपिड ग्रोथ होगा उस टाइम तक, और मेल आपका 950-1200 ग्राम तक रुक जाएगा उसका वेट। वही फिर से आप बोलोगे नहीं सर ये तो और बढ़ गया, नहीं वो खाना खा रहा है बहुत बहुत खाने के बाद जाके उसका ग्रो बढ़ेगा, ठीक है। फिर मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड इज 136 कैलोरी पर किलोग्राम, इतना मतलब उसको एक दिन का एनर्जी के लिए चाहिए होता है कैलोरी। थैंक यू।